सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 5 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, पाठ 9। पाठ का नाम है विशेषण। प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग विशेषण पढ़े थे। प्यारे बच्चों, संसार के जितने भी प्राणियों और चीजों में कुछ गुण या अवगुण पाए जाते हैं, यानी संसार के जितने भी प्राणी हैं या चीज हैं, उन सभी में कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुण अवगुणों को सामूहिक रूप से विशेषता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे हंस सुंदर पक्षी है, हंस सुंदर पक्षी है। कौवे की आवाज कर्कश होती है, उस पेड़ पर आम लगे हैं, इत्यादि दे सकते हैं। अब विशेषण के बाद हम कह सकते हैं कि विशेष से क्या समझते हैं। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह विशेष कहलाता है। जैसे सीता लंबी है, सीता लंबी है। यहाँ विशेषण शब्द क्या है? लंबी है। और संज्ञा शब्द क्या है? तो सीता है। सीता कैसी है? तो सीता लंबी है। विशेषण के भेद, तो प्यारे बच्चों विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला जो आपका गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण से क्या समझते हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार प्रकार, रंग रूप आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्याम बहुत मोटा है, श्याम कैसा है? तो मोटा है। गीता की आवाज सुरीली है, किसकी आवाज सुरीली है? तो गीता की आवाज सुरीली है। करेला कड़वा है, करेला जिसको कहते हैं, करेला कैसा है? तो कड़वा है, इत्यादि दे सकते हैं। सेकेंड है कि संख्यावाचक विशेषण से क्या समझते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की ओर संकेत करते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भूकंप में कई लोग मारे गए, खेत में 4 हाथी घुस गए, इत्यादि शब्द दे सकते हैं। पहले जो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, फर्स्ट निश्चित संख्यावाचक विशेषण और सेकेंड है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फर्स्ट निश्चित संख्यावाचक विशेषण से क्या समझते हैं, तो जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गीता ने 4 केले खाए, निश्चित है कि कितने केले खाए हैं? तो 4 केले खाए हैं। मेरे पास कहानियों के देव 2 पुस्तक, तो 2 पुस्तकें हैं। विशेषण शब्द किसी निश्चित कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वहां निश्चितता का कोई बोध इत्यादि शब्द है। विशेषण परिमाणवाचक विशेषण से क्या समझते हैं,
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या माप तौल का बोध कराते हैं वे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण से क्या समझते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे चैप्टर में लिखें हर क्वेश्चन मत बना कोर्ट में बनाएंगे संख्यावाचक विशेषण पीछे का प्रत्येक को परिभाषित इस तरीके से।